हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, जी उसकी शक्ल और अखरोट की शक्ल एक है। बिल्कुल जिस अंग को हमें जो चीज़ चाहिए वो फल के अंदर भी वो चीज़ है। अखरोट सर्दियों में यदि आप 2 या 3 अखरोट सुबह खाते हैं जी तो जिन्होंने अभी चीज़ रखी थोड़ी देर में भूल जाते हैं, तो उनको कंप्यूटर की भांति वो याद हो जाती है। ये अखरोट के अंदर के गुण हैं। अखरोट 2 किस्म का है, जी एक जंगली है, वो बड़ा टाइट होता है, उसका छिलका बहुत टाइट है और निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। एक भुर्ज अखरोट है जो कि आप हाथ में लेके ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जी उसका छिलका बड़ा मुलायम होता है। तो आपको दोनों अखरोटों में से जो भी मिले आप उसको ले सकते हैं। बल्कि आजकल तो ऐसी भी सुविधा हो गई है कि अखरोट की गिरी भी लग मिल जाती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि अखरोट पेट से टूटने के बाद 1 साल तक ठीक हो रहता है, उसके बाद फिर अंदर से इसमें जो है स्वाद बदल जाता है, तो उससे उल्टियाँ भी लग जाती हैं। अखरोट कभी भी लें तो नया और ताज़ा ही लें, और जो आप अखरोट की गिरी भी लें वो भी ताज़ी लें, पहले टेस्ट कर लें दुकान पे। और जो आजकल ऑनलाइन आप मंगाते हैं उनमें भी बड़ी हेरा फेरी है, आधा माल कुछ और होता है, आधा माल कुछ और होता है। बिल्कुल तो इस बात का ध्यान रखना। बल्कि सबसे अच्छा यह है कि जहाँ से भी आपने माल लेना पहले माल को टेस्ट कर लें जी और अपने सामने फिर पैक करवाएं टेस्ट के माल से, वही माल आपको लाभ देगा। यदि आधा माल ठीक है आधा माल ठीक नहीं है तो आपको उससे नुकसान होगा। अखरोट खा के आपको ठंडा पानी नहीं पीना कभी भी, कम से कम 2 घंटे तक, और ऐसे 12 महीने जो हल्का गर्म पानी पीता है ना तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं और ना ही उसको कभी कब्ज होती है। ठंडा पानी पीने वाले को कब्ज भयंकर होती है, और जो खाना खाते समय पानी नहीं पीता, पानी पीता 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, उसको कब्ज के कई रोग पैदा होते हैं। और हमारा शरीर का मुख्य अंग है लीवर, यदि लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्त में तेजाब नॉर्मल, हमें बीमारी कोई नहीं। जब भी शरीर में कोई बीमारी होगी तो लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा, जिससे आपके पित्त का तेजाब बढ़ जाएगा, फिर आपको रोगों की भरमार लगेगी। आर्टिफिशियल चीज़ें ये रोग को बढ़ाती हैं घटाती नहीं हैं। और आजकल तो प्रथा होगी कि एसी में काम करना, एसी में सोना, ऑक्सीजन पूरी मिलनी नहीं, आपने अमोनियम गैस का प्रयोग ज़्यादा करना तो आपको रोग तो मिलेंगे। आज आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, किसी भी घर में जाइए, आपको किसी न किसी रोग का रोगी जरूर मिलेगा। परंतु यदि आप नॉर्मल वातावरण में रहते हैं, एसी फ्रिज कूलर से दूर रहते हैं, मैं कहता हूँ आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं, आपको रोग ही कोई नहीं होगा। जितने रोग हैं मैदे की चीज़ों से, छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली सब्जियों से हैं। यदि आप चोकर वाला अनाज, छिलके वाली दालें और छिलके वाली नर्म सब्जियां खाएं और नमक आयोडीन छोड़ के सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी, इसका प्रयोग आप उचित मात्रा में कर रहे हैं, आपको रोग होगा कोई नहीं। परंतु जब हम इससे मुंह मोड़ते हैं और बेकार में आयोडीन नमक खाते हैं तो आयोडीन नमक तो आपको रोग को बढ़ा सकता है, काट कभी नहीं सकता।
और आए दिन हमारी सब्जियों में, दालों में, अनाज में, सब में पूर्ण मात्रा में जितना हमें चाहिए। हमें फालतू आयोडीन की जरूरत ही नहीं है। और जो आयोडीन सिंधे नमक में, काले नमक में नेचुरली है, वो ही लाभ करता है। जो बनावटी आयोडीन लाया गया है, ये नुकसान करता है।